देखा कि उसका नेगेटिव कैसे बनता है, शी हैज नॉट बीन ब्यूटीफुल, शी हैज नॉट बीन स्मार्ट. हमने देखा कि उसका येस और नो क्वेश्चन कैसे बनता है, हैज शी बीन ब्यूटीफुल, हैज ही बीन स्मार्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर हमने देखा कि क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट कैसे बनता है, सब्जेक्ट के बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप क्या पूछेंगे, हु हैज बीन स्मार्ट, हु हैज बीन ब्यूटीफुल. अगर नॉन ह्यूमन बीइंग है तो आप बोलेंगे व्हाट हैज बीन स्मार्ट, व्हाट हैज बीन ब्यूटीफुल, राइट. देन हमने सीखा कि क्वेश्चन अबाउट द वर्ब कैसे बनता है, वेयर वाई हाउ एंड व्हेन से बनेगा, वेयर हैज ही बीन स्मार्ट, व्हाई हैज ही बीन सो स्मार्ट, राइट, हाउ हैज शी बीन सो ब्यूटीफुल, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और इनका हमने सारे का नेगेटिव भी देख लिया है, राइट, वी हैव ऑल्सो लुक्ड एट द नेगेटिव फॉर्म्स. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हसनैन. So we were practicing the questions about the subjects and the questions about the verbs in the previous class, and we will continue with that. We will continue with our practice of questions about subjects and questions about verbs. Okay. थोड़ा सा practice करते हैं. Next class में हम नए structures practice करेंगे. Okay. Because I want you guys to be very thorough with these structures first. So, देखिए हमने ऑलरेडी इनको प्रेजेंट परफेक्ट लिंकिंग वर्ब में चेंज कर लिया है. व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक क्वेश्चंस अबाउट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. सो ये जो सेंटेंस है द म्यूजिक इज लाउड, या फिर कुछ और ले लू, ही हैज बीन